ओमनी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक अमेजिंग सी रेमेडी जिससे आपको बहुत फायदा होगा, खासकर इन सर्दियों में। ये सर्दियों की स्पेशली बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है। ऐसे में हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब पैची पैची सी हो जाती है और जो स्किन होती है वो निकलने लगती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ऐसे में हमको क्या ट्राई करना है, आपको बहुत ही सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है जिसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है और आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमको चाहिए बहुत ही सिंपल से इंग्रीडियंट, लेकिन 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 इस स्टेप को आपको रात को सोने से पहले फॉलो करना है। फ्रेंड, हाँ, रात को इसलिए क्योंकि रात को हमारी जो स्किन है वो 7 से 8 आवर्स तक रेस्ट करती है और तो और पॉल्यूशन से बचती है, हमारी स्किन ब्रीथ करती है, हेल्दी रहती है रात के टाइम। तो इसलिए आप इसको नाइट के टाइम ज़रूर फॉलो करें, सोने से पहले 1 घंटा पहले इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करें। तो हमको करना क्या है, तो यहाँ पे मैं जो भी यूज़ में ले रही हूँ वो है किचन इंग्रेडिएंट, यानी कि ये रेमेडी है एकदम नेचुरल। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ली है ये मलाई, जैसे कि आपको दिख रहा है ये है मलाई, जो कि आप फ्रीज की ठंडी मलाई यूज़ में ना लें, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो मलाई हो आप वो यूज़ में लें क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ठंडी है। तो ये मलाई ले लीजिए यहाँ पे। इसमें सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाली हूँ, ये है सूजी, देखिए इस तरीके से इसमें ऐड कर दीजिए। क्योंकि थर्ड इंग्रेडिएंट के लिए चाहिए हमको हल्दी, यहाँ पे मैं चुटकी भर हल्दी ले रही हूँ जैसे कि आपको दिख रहा है। मैं सब कुछ आपको दिखा रही हूँ क्वांटिटी, यानी कि हमको चुटकी भर हल्दी लेनी है, ज़रा सी सूजी लेनी है और थोड़ा सा यहाँ पे मलाई लेनी है। अब इस मिक्सचर को हमको अच्छे से मिक्स करना है, देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे से इसको। ये मिक्स हो गया है, मिक्स होने के बाद कुछ इस तरीके से हमको ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब इसको हमें अपने फेस पे अप्लाई करना है, इस तरीके से इसको लेके और हमको अपने फेस पे अप्लाई करना है। मैंने अपने फेस को पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, बस मेरे फेस पे हल्की सी लिपस्टिक लगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको यूज़ में ले लूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो सूजी यूज़ में ली है वो यहाँ पे स्क्रब का काम करेगी, हमारी स्किन को डीपली क्लीन करेगी, हमारे स्किन के जो पोर्स हैं उनको डीपली क्लीन करेगी क्योंकि पोर्स पे काफ़ी ज़्यादा डर्ट क्रीम जो कलेक्ट हो जाता है ये उसको रिमूव करने के लिए काफ़ी अच्छे से रहती है। इसलिए यहाँ पे मैंने सूजी यूज़ में ली है। यहाँ पे मैंने मलाई यूज़ में ली है, क्यों? क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, विंटर में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो उसके लिए मलाई बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब आसानी से मिलने वाला ऑप्शन रहता है। इसलिए यहाँ पे मैंने वो यूज़ में लिए हैं इंग्रेडिएंट जो इजीली मिल जाए। तो मलाई हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, हमारी स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए बहुत अच्छी रहती है, हमारी स्किन को फेयर करने के लिए बहुत अच्छी रहती है, हमारी स्किन को ब्राइटन बनाने में बहुत हेल्प करती है और तो और हमारी स्किन में जो स्किन जो वैसी हो जाती है ना, पैची पैची हो जाती है, तो उसके जो स्पॉट्स होते हैं उसको लाइटन करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। ये बहुत ही देसी और बहुत ही पुराना नुस्खा है, मलाई को बहुत पहले यूज़ में लिया जाता था फेयरनेस के लिए। तो आज उसी फेयरनेस की क्रीम को मैंने एक मतलब मलाई को मैंने बहुत ही अच्छे से यूज़ में लिया है एक एज अ रेमेडी। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ में ले लें। यहाँ पे मैंने हल्दी यूज़ में ली है, चुटकी भर हल्दी यूज़ में ली है ताकि जो हमारे फेस पे जो दाग धब्बे की प्रॉब्लम है वो ना रहे, एक्ने की प्रॉब्लम है वो ना रहे और हमारे फेस पे जो धब्बे हो जाते हैं एक्ने वगैरह के, पिंपल्स के, ये धब्बे भी रिमूव हो जाए। इस तरीके से हमको हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे स्क्रब करना है, जैसे कि आपको दिख रहा है इस तरीके से हमको करते जाना है। फाइनली देखो, यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट अपने फेस पे अच्छे से स्क्रब किया है जैसे कि आपको दिख रहा है। अब इसको मैं एज इट इज छोड़ दूंगी, थोड़ी देर तक मैं इसको अपने फेस पे लगा रहने दूंगी, उसके बाद ही हमको इसको रिमूव करना है।
यानी कि अब इसको एज अ पैक हमको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस पैक को 15 से 20 मिनट अपने फेस पे लगा रहने दिया है और ये कुछ इस तरीके से हो गया है, यानी कि हल्का हल्का सा ड्राई भी हो गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत, इससे क्या होगा आपका फेस क्लीन हो जाएगा, आपको कोई भी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नाइट के टाइम, कोई भी लोशन कुछ भी अपने फेस पे लगाने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल और बहुत ही पुरानी टाइम से यूज में आने वाली रेमेडी है जो कि काफी सालों से लोग यूज में ले रहे थे, यानी कि मलाई। लेकिन मलाई को अगर आप इस तरीके से यूज में लेंगे विंटर में तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अब 15 मिनट हो गए हैं, मैं अपने फेस को क्लीन करती हूँ और उसके बाद सो जाते हैं। फ्रेंड ये है सिंपल सी रेमेडी, अगर इसको आप रेगुलर यूज में लोगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ। ये देख सकते हैं आप इसका रिजल्ट, ये फर्स्ट एप्लीकेशन का रिजल्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।